अगर आपके नाम का पहला अल्फाबेट लेटर एल है या फिर हिंदी के अक्षर ल से आपका नाम शुरू होता है तो यह भविष्यफल आपके लिए है। लेटर एल अंग्रेजी के अल्फाबेट में 12वें नंबर पर आता है, यानी गुरु बृहस्पति की एनर्जी। वहीं अगर हिंदी के अक्षर ल की बात कर ली जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षर ल मेष राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी हैं मंगल देव। अतः आप लोगों पर गुरु बृहस्पति और मंगल देव का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। अब जिनका भी नाम एल से शुरू होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही दार्शनिक विचारों के होते हैं, एक मैच्योरिटी लेवल होता है इनके अंदर, हर बात को सोचने का, करने का, समझने का एक अलग ही नजरिया होता है, इनकी बात में काफी गहराई होती है। एक श्रेष्ठ विचारक, न्यायप्रिय, सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी तो हैं ही, भावुक भी काफी होते हैं। अपने मार्ग से ना डिगने वाले, कर्म पथ पर चलने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। एल नाम वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं या फिर ल अक्षर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इन वीडियो को देख सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जिन्हें अपने जन्म की तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है उनके लिए ये नाम राशिफल विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जिस नाम से आपको बार बार पुकारा जाता है उस नाम के पहले अक्षर की राशि का प्रभाव भी आप पर अवश्य पड़ता है। वैसे भी पुराने समय में नाम आपकी चंद्र राशि के अनुसार ही रखे जाते थे जो सटीक भविष्यफल बताते हैं। भले ही आपके पास आपकी बर्थ डेट नहीं है, बर्थ लिस्ट नहीं है, आपकी नाम राशि का प्रभाव आपके दैनिक जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। साल 2024 पर शनिदेव का आधिपत्य रहेगा। शनिदेव लोगों को कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ही स्थिरता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो लोगों को ये बताते हैं कि जीवन उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। एक्चुअल में शनिदेव आपका जिंदगी की वास्तविकता से परिचय कराते हैं। एक्चुअल में शनिदेव का स्वभाव अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का है, क्योंकि ये लोगों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। ऐसे में साल 2024 आपके लिए अच्छा या बुरा दोनों ही साबित हो सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों के साथ कितने अच्छे हैं, आपके कर्म कितने अच्छे हैं, आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ये साल 2024 उन लोगों को अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा जो बहुत ही मेहनती हैं, यानी कि जो सर्विस सेक्टर से, जॉब्स रिलेटेड हैं। इस वर्ष श्रमिक वर्ग के लिए और गरीब लोगों के लिए सरकार भी कुछ ना कुछ डिसीजन, कोई ठोस डिसीजन ले सकती है। अब एल नाम वालों में भी जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं यानी कि जो शारीरिक गतिविधि ज़्यादा करते हैं उनके लिए ये साल काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इस साल के दौरान सट्टेबाजी से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त करना, अचानक से पैसा कमाना आपके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि आपको मेहनत करनी है। हालांकि बिल्डर और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा माना जा सकता है। ये साल 2024 आपको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करेगा। देखा जाए तो गुरु और शनि के मध्य संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। जब दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो व्यक्ति का झुकाव आध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है। दोनों ही मैच्योर ग्रह हैं, वृद्ध ग्रह हैं, न्याय के पक्षधर हैं। ऐसे में हम देख सकते हैं कि साल 2024 में साल ज्ञान से भरपूर रहेगा। इस दौरान कड़ी मेहनत और धैर्य ही आपकी सफलता की पूंजी होगी। साल 2024 में आप जो भी प्रयास करेंगे वो आपके लिए लंबे समय तक आपको लाभ देकर जाएंगे। हालांकि इस समय आपको अपने मन की आवाज सुनने की भी यहां सलाह दी जाती है, क्योंकि मन से अच्छा कोई सलाहकार आपके लिए साबित नहीं होगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचिंग लाइन और एडवाइजरी लाइन से जुड़े लोगों के लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। भले ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रफ्तार धीमी लेकिन स्थिर होगी, ये साल आपके लिए खासकर के टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु इत्यादि के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कड़ी मेहनत करनी होगी, आपके कंधों पर जिम्मेवारियों का बोझ होगा। समाज में आपकी पहचान बनेगी और आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में भी सक्षम होंगे। जो स्टूडेंट्स आर्ट्स, हिस्ट्री, साहित्य या किसी भाषा, किसी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, खासकर के संस्कृत या ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, उनके लिए इस साल ज्ञान में वृद्धि करने की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़ेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, पीएचडी की पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी ये साल 2024 बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना होगा। जो जातक अपनी समझ के चलते वैवाहिक जीवन में
मैच्योरिटी का परिचय देंगे, वो विवादों से बचे रहेंगे, समस्याओं को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन कम उम्र के जो लोग हैं वो अपने रिश्तों में बैलेंस बनाने में जो कामयाब नहीं हो पाएंगे, उनके लिए रिश्तों को निभाना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। लेकिन साल के अंत में वो प्यार का सही अर्थ भी समझेंगे और प्यार को संभालने में भी सक्षम रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर आप ध्यान और संतुलित जीवन शैली को अपनाते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और किसी बड़ी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वर्ष कुछ नया और विशेष करने की चाहत आपके मन मस्तिष्क में तेजी से मजबूत होगी और कोशिश करने पर इस वर्ष आप कुछ नया करने में कामयाब भी होंगे। विशेष बात यह है कि ये साल आपके वर्क प्लेस पर और आपकी पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको एक अलग ताकत देगा। ऐसी स्थिति में आप ना केवल अपने वर्क प्लेस को एक नई दिशा देंगे, एक नया लेवल देंगे, बल्कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा बैलेंस बनाने में कामयाब हो पाएंगे, यानी कि आर्थिक मामलों में भी आप काफी अच्छा रहेंगे। इन्वेस्टमेंट का कोई नया रास्ता भी इस वर्ष आपको मिल सकता है। पारिवारिक मामलों में भी इस वर्ष आप काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। घर परिवार की समस्या को लेकर थोड़ा सा आप भावुक रह सकते हैं, हालांकि परिवारजनों की समस्या को दूर करने के लिए आप जो भी कोशिश करेंगे वो कामयाब रहेगी। आप अपने परिजनों को सुख पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं और वहां पर कोई आप कोई भूमि या भवन खरीदना चाह रहे हैं तो इस मामले में ये साल 2024 आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इस वर्ष आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। इस वर्ष आपको पार्टनरशिप भी सूट करेगी, अब वो चाहे आपकी बिजनेस में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी साझेदारी आपको काफी अच्छा लाभ कमा कर देगी। इस वर्ष आप में एक अलग ही मैच्योरिटी लेवल देखने को मिलेगा। आप ना केवल सीखने में विश्वास करते हैं बल्कि आप दूसरों को सिखाना भी अच्छे से जानते हैं। चीजों को समझना और समझाना आपको इस वर्ष भी पसंद रहेगा। लेकिन आपकी नजर में जो व्यक्ति अयोग्य है उसके अंडर में रहकर आपको काम करना पसंद नहीं आएगा, यानी कि कोई आपका मार्गदर्शन करे ये अच्छी बात है, लेकिन यदि वो व्यक्ति उस विषय वस्तु को ठीक से नहीं जानता है उसके बाद भी वो अगर आपको ज्ञान दे रहा है तो ये बात आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अगर आप अपने सीनियर्स के साथ बनाकर रखते हैं, अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का, यहाँ तक कि धार्मिक व्यक्तियों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं तो बहुत ही अच्छी सफलता आप और बहुत जल्दी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। ये साल 2024 आप लोगों के लिए एक परिवर्तन का समय होगा, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का समय होगा, अध्यात्म और आत्मिक चिंतन का विषय होगा। जैसे जैसे आपसे पुराना छूटता चला जाएगा आप एक नई शुरुआत और एक नए उद्देश्य की भावना लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। समय गुजरने के साथ साथ पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पहले से कहीं ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। ये साल 2024 आपको रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा के खूब सारे अवसर देगा, चाहे आप ये यात्रा अकेले करें, चाहे ग्रुप में करें या फिर अपने साथी के साथ। इस वर्ष आप नए नए लोगों से मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे तो बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। ग्रहों की यह स्थिति आपके भीतर जन्मी अन्वेषण की तीव्र इच्छा और नए अनुभवों की प्यास का संकेत देती है। जितना आप लोगों को, प्रकृति को, दुनिया को जानेंगे उतना ही आपकी विचार शक्ति का दायरा बढ़ेगा। नई अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। ऑनलाइन नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल आपके संबंधों को मजबूत बनाने में, आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में काफी सहायक साबित होगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन अपॉर्चुनिटीज का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूं। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। अब बात अगर आपके एजुकेशन सेक्टर की कर ली जाए, स्टूडेंट्स के लिए कर ली जाए, तो शिक्षा के मामले में ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये साल आपकी नई शिक्षा और उसके संदर्भ से भरा होगा, जो आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा।
आपका ज्ञान और आपकी सूझबूझ इस साल आपके कैरियर में या फिर आपके बिजनेस में आपको बेहतरीन दिखने में मदद करेगा। इस वर्ष आप अपनी शिक्षा पर पूरा फोकस करेंगे। सफलता हासिल करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे, अपनी स्टडीज में पूरा समय देंगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दिखाने के लिए आप उत्सुक भी नजर आएंगे। अपनी शिक्षा के स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए आप नए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हायर स्टडीज के लिए आप दूर देश या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हैं, लिटरेचर से जुड़े हैं, अपनी संस्कृति से जुड़कर स्टडीज कर रहे हैं, हिंदी या संस्कृत भाषा में अध्ययन कर रहे हैं या फिर किसी गूढ़ विद्या का ऑकल्ट साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहेगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोग और हायर स्टडीज से संबंधित क्षेत्र में किसी विशेष अध्ययन के स्टडी करने से आपके कैरियर में अच्छी ग्रोथ होगी। और इन सब के लिए आपको अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने सहपाठियों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो ये साल 2024 आपके लिए उत्तम रहने वाला है। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव और कुछ चुनौतियां आपके रास्ते में अवश्य आएंगी, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य और अपने अनुभव से उन सबसे आसानी से निपट लेंगे। काम के सिलसिले में आप कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं जो आपके कैरियर में आपको लाभ ही प्रदान करेगी। इस वर्ष आपको सफलता के लिए थोड़े अधिक एफर्ट्स लगाने होंगे। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति समर्पण रहना होगा, क्योंकि शनिदेव इतनी आसानी से तो आपको रिजल्ट देने वाले नहीं। यहाँ शनिदेव आपको आपके कर्मों के अनुसार ही, आपके कठिन परिश्रम के अनुसार ही रिजल्ट देंगे। भाग्य भी आपका तभी साथ देगा जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। वैसे भी ये वर्ष जॉब में रहने वालों के लिए बहुत ही उत्तम है। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस साल आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और अगर आप अपनी वर्तमान जॉब से खुश नहीं हैं तो एक नई नौकरी खोजना आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित होगा। अगर आप स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए एक उचित समय होगा, लेकिन इससे पहले आपको अपने विचारों को खुद से पूरी तरह समझना भी होगा। पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी तैयार करके ही मैदान में उतरें। इस वर्ष आपकी प्रोडक्शन अच्छी रहेगी, आप अपने काम को अधिक महत्व देंगे, इससे आपका कैरियर और बिजनेस दोनों ही फायदे में रहेंगे। नेटवर्किंग और सोशल मीडिया इस वर्ष आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप नए नए लोगों से मिलें और नए नए कनेक्शन बनाएं। अपने कैरियर में ग्रोथ के लिए, अपने कैरियर को एक नया आयाम देने के लिए आप हायर स्टडीज के लिए या कोई एडिशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये साल 2024 आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए, आपकी इनर ग्रोथ के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए बेहद विकासकारी साबित होगा। टेक्नोलॉजी इस वर्ष आपके लिए एक महत्वपूर्ण फील्ड साबित होगी। आप इस दिशा में अधिक अध्ययन कर सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के उपयोग से आप अपने काम को सुधार भी सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पर आपके ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ सकता है। आप अपने काम में जितने ज्यादा संवेदनशील होंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। इस वर्ष आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तेजी आएगी और स्थिरता आएगी, खास करके टीचिंग और टेक्निकल वर्क से जुड़े लोगों के लिए, आर्ट और लिटरेचर के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए काफी जबरदस्त रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल 2024 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप नए नए रास्ते भी खोजेंगे। अपने बिजनेस के विस्तार में भी आप अपनी जमा पूंजी लगा सकते हैं, या फिर भूमि भवन खरीदने में या कोई नया वाहन खरीदने में भी आप खर्चा कर सकते हैं। इस वर्ष आप अपने पार्टनर के द्वारा भी अच्छा धन लाभ कमाएंगे। आप अपने जीवन साथी के द्वारा भी धन प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष आपको ना तो किसी को धन उधार देना है और ना ही किसी से कर्जा लेना है। आपको फायदे की जगह नुकसान ही होगा। अच्छा यही होगा कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बनाकर चलें ताकि ज्यादा खर्चा ना हो और ना ही आपको कर्जा लेना पड़े। किसी भी प्रकार की कोई बैंक ट्रांजेक्शन करते हुए या कहीं भी सिग्नेचर करते समय कागज पढ़कर सिग्नेचर करें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, सही समय पर सही डिसीजन लें। पैसे संबंधी मामले में व्यवहारिक बने रहें, इमोशन में आकर किसी को भी पैसे ना दें। धन का नुकसान ही होगा, पैसे की वापसी असंभव है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल 2024 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहेगी, क्योंकि अगर आप नियमित व्यायाम और अच्छा खान पान रखते हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस वर्ष
कोई बड़ी या लंबी बीमारी के संकेत तो नहीं है, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतते हैं या पुराने समय से कोई बीमारी चली आ रही है तो आप उसको लेकर सजग रहें, सीरियस रहें, वरना परेशानी में भी पड़ सकते हैं। रेगुलर चेकअप कराते रहें, नियमित रूप से व्यायाम करें, हेल्दी डाइट लें, भरपूर नींद लें और सुबह शाम की वॉक और मेडिटेशन आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अब आप बहुत ही सरल तरीके से अपने बारे में जान सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में जान सकते हैं। ईश्वर ने आपको इसी डेट ऑफ बर्थ के साथ ही क्यों पैदा किया है ये जान सकते हैं। किसी व्यक्ति के हाव भाव को देखकर आप आसानी से पहचान पाएंगे कि वो कौन से नंबर की एनर्जी है। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, इवन हाउसवाइफ, ये सभी के लिए कोर्स है। इन अंकों की भाषा को समझना आप सबके लिए अब बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप 1 से 9 के इन अंकों की नेचर को गहराई से समझ लेते हैं तो आपके लिए जीवन को समझना, जीवन के पथ पर आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी के अनुरोध पर इस कोर्स को जनवरी 2024 से शुरू करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी का भरपूर सहयोग मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक व्यक्ति ही व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। ये साल 2024 शनिदेव के प्रभाव में है, कुछ ऑब्स्टिकल्स के बाद ही आपको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। यही हाल आपके रिलेशनशिप में भी देखने को मिलेगा। इस वर्ष आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप आपके स्वभाव और आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। इस वर्ष आपके मित्रों का दायरा बढ़ेगा। आपको अपने चरित्र को भी संभालना है, आपको अपनी जिम्मेवारियों का सही से निर्वहन करना होगा और खुद को भी किसी बड़े नुकसान से बचाना होगा। आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चल रहे विवादों का अंत करने का रास्ता नजर आएगा। आपकी राय को भी तवज्जो मिलेगी। आप जिनके प्रति वफादार हैं, जिनका अच्छा करते हैं, वे आपके प्रति गलत सोच रख सकते हैं और आपको मानसिक तनाव की स्थिति में डाल सकते हैं। इस वर्ष आप स्थायी संबंधों को ज्यादा महत्व देंगे, अपने रिश्ते को बचाए रखने में भरपूर कोशिश में लगे रहेंगे। यदि आप अभी तक अविवाहित हैं, सिंगल हैं, तो इस वर्ष आप अपना ज्यादा समय लंबे चलने वाले संबंध की तलाश में लगाएंगे। आप प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि प्रेम आपके लिए एक गुड फीलिंग है। इस वर्ष आप अपने पार्टनर की संतुष्टि के लिए, उनके प्रेम को पाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, फिर भी उनके साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते नजर आएंगे। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना होगा। नौकरी में आपको भावुक होने से बचना होगा, अपने काम पर भी पूरा ध्यान देना होगा, तभी 2024 आपको उत्तम सफलता दिलवाने में सक्षम होगा। क्योंकि इस वर्ष आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, आप शांत नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि इस वर्ष आपका पूरा ध्यान कंप्लीशन की ओर होगा, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो या आपकी पर्सनल लाइफ, आप पूर्णता की ओर जाएंगे। आपको हर फील्ड में स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि ज्यादा इमोशनल होने से आप बचें। आपको अपनी सोच में, अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी बनाए रखनी होगी। अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आप अपने फैमिली मेंबर्स की या दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। उनके साथ यात्राओं पर भी जा सकते हैं या यात्रा के दौरान आपको कोई ऐसा साथी मिल सकता है जो आगे चलकर आपका पार्टनर बन सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये साल 2024 आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। आप अपने कैरियर में तो अच्छा करेंगे ही, आपकी पर्सनल लाइफ में भी मजबूती आएगी। यात्राओं पर भी खूब जाएंगे, समाज में आप एक अच्छी इमेज कायम कर पाएंगे, आध्यात्मिक की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, धर्म कर्म के कार्यों में आप रुचि लेंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, मांगलिक कार्यों में ध्यान आपका ज्यादा रहेगा। आपकी सभी इच्छाएं धीरे धीरे शनिदेव अवश्य पूरी करते चले जाएंगे। आपको आपकी सेवाओं का फल अवश्य मिलेगा। ये साल 2024 आपके लिए अनुकूल बना रहे, उसके लिए आप कुछ विशेष सावधानी बरतेंगे तो निश्चय ही शानदार सफलता के रास्ते पर होंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें, रिश्तों में गलतफहमियां बिल्कुल भी पैदा ना होने दें, आपसी बातचीत से सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा है। शक की गुंजाइश बढ़ने ना दें, जब तक बहुत ज्यादा जरूरत में ना पड़े लोन बिल्कुल भी ना लें, कहीं से भी कर्जा ना लें और ना ही किसी को कर्जा दें। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी काम ना करें, किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जिस काम में आपको नेगेटिविटी आने लगे उस काम से दूर हो जाएं। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें, व्यर्थ का मानसिक तनाव तो होगा ही, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने कुलीग्स और सीनियर्स से व्यर्थ की बातों पर डिस्कशन ना करें, आपकी स्मार्टनेस उन्हें बुरी लग सकती है। वर्क प्लेस पर उतना ही बोलें जितनी जरूरत है। अपने सभी कार्य फोकस्ड होकर करें, एकाग्रता के साथ करें।
व्यर्थ के खर्चों पर लगाम रखें वरना कर्जे में पड़ सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट सोच समझकर विवेक से करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ करें। इन सब के बावजूद परिस्थिति ऐसी बन जाए कि कुछ समझ ना आए, लाइफ को कोई दिशा ना मिल रही हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।